ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 मार्च 2024 से ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही बदलाव होने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र कुंभ राशि में प्रभावी होने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, मार्च 2024 कई ग्रहों के परिवर्तन और कई राजयोगों के निर्मित होने से यह महीना बहुत ही खास बनने वाला है और इसमें 7 मार्च को बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का एक साथ परिवर्तन भी होने वाला है। सभी प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि और प्रेम के कारक शुक्रदेव 7 मार्च 2024 को सुबह 10:33 पर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कुंभ राशि में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और 31 मार्च 2024 तक दोनों ग्रहों की प्रभावशाली मौजूदगी कुंभ राशि में बनी हुई रहने वाली है। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एक ऐसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों को किन किन मामलों में इस समयावधि में आपको विशेष सकारात्मकता मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो बात करें शुक्र की, तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी भी माना जाता है। शुक्र को आत्मिक सुख, मानसिक सुख, सभी प्रकार के लग्जरियस सामान, गृहस्थ सुख, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन और क्रिएटिविटी का कारक माना जाता है। जीवन में यदि शुक्रदेव बलवान अवस्था में विराजित हो, कुंडली पर शुक्र की अवस्था यदि मजबूत हो, तो कई प्रकार की उन्नति जीवन में मिलती है। शुक्र का शुभ प्रभाव जीवन में रिश्तों में उत्साह, वैवाहिक सुखों को प्रदान करता है। सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख आसानी से दिलवाता है और बलि शुक्र के प्रभाव से जातक वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा काफी ज्यादा प्रभावशाली लोगों को करता है। नए विचारों को आसानी से समझने में स्थितियां बेहतर बनती है और बलि शुक्र का प्रभाव जीवन में भौतिकता की ओर झुकाव बनाता है और भौतिक सुखों को प्रदान करवाता है। वही कुंडली पर शुक्र के पीड़ित होने पर, अशुभ होने पर संस्कारहीनता, यौन जनित बीमारियां, प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसका आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। बलवान शुक्र और शुक्र के द्वारा बना हुआ राजयोग इस समयावधि में किन किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को शुभता देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके धन भाव और आपके संतान भाव के स्वामी माने जाते हैं। 7 मार्च को ये आपके राशि से एकादश भाव में प्रभावी होने वाले हैं। कुंडली का 11वां भाव सभी प्रकार के मनोकामनाओं के बारे में, लाभ के बारे में, कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में और बड़े भाई के बारे में जिम्मेदार है। एकादश भाव पर बुध और शुक्र की मौजूदगी आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता आसानी से आपको देने वाली है। सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में जो आपका वर्चस्व है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देने वाला है। शुक्र आपके व्यापार भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश भाव में प्रभावी होंगे, तो करियर की दिशा में सोचे हुए विचार आपके जीवन में क्रियान्वित होने वाले हैं और व्यापार में भी आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। और वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों में इस समयावधि में सकारात्मक बदलाव का अनुभव होने वाला है। आपके आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पिछले समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज पूर्वक स्थिति बनी हुई है तो यहां पर आकस्मिक धन लाभ आपके जीवन में होने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, शुक्र की जो दृष्टियां हैं वो आपके राशि के पंचम भाव को प्रभावित कर रही है।
ऐसे में यदि आपका जुड़ाव रिश्तों के मामले में है, यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, तो ये समय आपके जीवन में उत्साह के साथ सफलता भी आपको देने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में विस्तार और प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव आसानी से बनता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के लिए निजी जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जहां पारिवारिक जीवन में आपको कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। वर्तमान में शुक्रदेव की अनुकूल अवस्था आपको क्रिएटिव क्षेत्रों में भी सफलता दिलवाने वाली है। यदि आपका जुड़ाव इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा इन सभी क्षेत्रों में है, तो आप अपने जीवन में इस समयावधि में शुभता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ शुक्र का यह गोचर आपको स्वास्थ्य के तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। ऊर्जा शक्ति और आपका जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और इस समयावधि में आपको उत्साह के साथ चलने की संभावना भी मिलने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र जनित दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने के लिए और शुक्र जनित शुभता को जीवन में प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को सफेद पुष्प मां लक्ष्मी के ऊपर आपको अर्पित करना है और आपको श्री सूक्त का पाठ जरूर करना है। अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं को और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि आपके परिवार भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को माताओं बहनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।